अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महक बांडे और आप देख रहे हैं कश्मीर ऑप्टिमिस्ट। आज हमारे साथ एक्स पार्लियामेंट मेंबर यानी कि सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीदीन शारिक साहब हैं। आज हमने मुनासिब समझा कि इनके साथ बातचीत करें जो कश्मीर की सूरत हाल है। जैसा कि आपको पता है कि कल जो पीएचईडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसके बारे में जो अफवाहें फैल रही है उनके बारे में इनसे बातचीत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मेरा आपसे पहला सवाल शारिक साहब ये है कि जो कि आपको पता है 5 अगस्त को हमारा आर्टिकल 370 और 35 से स्क्रैप किया गया, तो उसके बाद जो हमारे सारे लीडर साहिबान हैं उनको जेल में रखा गया, कुछ टाइम के बाद वो जेल से रिलीज़ हो गए। उसके बाद जो नया एक प्लेटफॉर्म वजूद में आया जिसका नाम है पीएजीडी, पीएजीडी के फ़ौरन बाद ही डीडीसी इलेक्शंस हो गए। डीडीसी इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद आज तक न पीएजीडी का नाम है न कोई प्रेस नोट रिलीज़ किया। तो सवाल है क्या डीडीसी इलेक्शंस इसलिए कंडक्ट किए थे कि आपको वोट्स हासिल करने थे, क्योंकि जो पीएचईडी से लोगों को उम्मीदें दिलाई गई थी कि जो आपकी शिनाख्त ली गई है, जो आपकी शिनाख्त जो हमारी है वो वापस लाई दी जाएगी, लोगों को वो एक उम्मीद नज़र आई थी, तो आपने एक बार फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों के साथ एक इमोशन कार्ड खेला गया उनके साथ। बेटा बात ऐसी है दरअसल कि जो इन्होंने एक इतिहाद बनाया था जिसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ थी, बिल्कुल उसका मकसद यही था कि हम उन अनासिर के खिलाफ मुश्तरकत और जद्दोजहद करें जो लोग हमारी यकजहती और हमारी स्पेशल स्टेटस के खिलाफ हैं या जिन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। बिल्कुल हम आईनी तरीके से एक जद्दोजहद कर लें ताकि हम उस चीज़ को फिर हासिल कर सकें जो चीज़ हमारे से छीन ली गई थी, जो कि हमारा हक है, जिसके लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, हिंदुस्तान के आईन ने और हिंदुस्तान की लीडरशिप ने हमें एक भरोसा दिलाया था 47 में कि आप हमारे साथ रहिए तो हम आपको ये चीज़ें गारंटी देते हैं, आपका तशख्स, आपकी पहचान हर सूरत में कायम रहेगी। उसी के नतीजे में आर्टिकल 370 और ये दूसरी चीज़ें आईन में आई थी। अब एक इंतहा पसंदों की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, जिनके पास न कोई उसूल है, जिनके पास न कोई आईन है, जिनका कोई तरीका नहीं है, जो ज़बरदस्ती की बुनियाद पर, गुंडगर्दी की बुनियाद पर, दहशतगर्दी की बुनियाद पर इस वक्त मुल्क को चलाते हैं। हर एक पार्टी, हमारी बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियाँ हैं, हर एक को दम ब खुद कर दिया है इन्होंने, जुल्म सितम से, सख्ती से। इस वक्त सारे मुल्क में हाहाकार मची है इनके खिलाफ, लाशें अब इतना ह्यूमन डिग्निटी भी नहीं रही, इंसानी लाशों को कुत्ते चाट रहे हैं सड़कों पर, और वजीर आजम को और उसकी जमात को इसकी कोई परेशानी नहीं। वो पता नहीं मन की बात का डकोसला खड़ा करके लोगों को किस तरफ ले जाते। रही बात ये जो आपने सवाल किया, इसमें मैं आपका यानी ये ज़रूर समझूंगा कि मुझे भी लगा कि इस लीडरशिप ने जिसके लिए इतिहाद किया था उसमें फिर उस सरगर्मी से वो आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल मुझे लगा बिल्कुल उस सरगर्मी से आगे नहीं बढ़े, लेकिन और कुछ लोग इसमें थे जिन्होंने इसको तोड़ दिया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले इससे अलग हो गए, क्यों अलग हो गए ये वो जानते हैं, तो उससे एक दचका जैसा लगा। लेकिन अब फिर एक बार ये लोग जमा हो रहे हैं और उम्मीद रखनी चाहिए शायद बेहतरी कुछ होगा। मेरा आपसे जो सवाल था वो बिल्कुल यही था कि पीएचईडी के, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ जैसे कि कल पीएचईडी की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे डॉक्टर फारूक साहब ने ये बताया कि पीएचईडी का नाम ही नहीं लिया, मतलब उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया, मुझे दूर दूर से कहीं नज़र नहीं आया उन्होंने पीएचईडी का जिक्र किया। वहाँ पे बात अगर हो रही थी वो सिर्फ वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब डॉक्टर बनके लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में, और उन्होंने ये चीज़ बताई कि र्यूमर्स है, आप भी र्यूमर्स सुनते हो, हम भी र्यूमर्स सुनते हैं, लेकिन जब आर्टिकल के टाइम जब आर्टिकल स्क्रैप हो गया तब भी बोलते थे कि ये र्यूमर्स है, जब तक वो रियलिटी में हो गया तो क्या आज हम समझेंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है, आप तब तक हमें बोलोगे र्यूमर्स र्यूमर्स। जो र्यूमर्स चल रही हैं, मुझे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एटीट्यूड और उनका तरीके कार काम करने का है, तो मुझे लग रहा है ये र्यूमर्स सब गलत नहीं हो सकती है, कुछ न कुछ जरूर इसमें समथिंग इज बॉइलिंग, ये कुछ कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता र्यूमर्स गलत होंगी।
लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा करे कि इस कश्मीर को फ़ायदा मिले, लोगों को फ़ायदा मिले, और क्या कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये सब कहने से मुझे शेख अब्दुल्ला याद आ रहे हैं। जब शेख अब्दुल्ला साहब के अपना टाइम जब था, तब वो 22 ईयर्स रिजर्वेशन में जेल रह चुके हैं। लेकिन आजकल हमारे जो लीडर साहिबान है, चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, हूसोएवर इट इज, लेकिन वो 9 महीने भी जेल में नहीं टिक पाए। उन्होंने कोई लीडर नहीं है, उन्होंने कूदने के लिए तैयार है, एग्जैक्टली कोई नहीं। उन्होंने कतई लिख कर दिया बॉन्ड कि जो ही हम बाहर आएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 370। उन्होंने एक बॉन्ड लिख कर दिया। बॉन्ड के बारे में मुझे नहीं मालूम लिख कर दिया या नहीं दिया, लेकिन जो उनका बाहर से एटीट्यूड लगता है मुझे, वो लगता है अंडर प्रेशर है, वो लगता है वो सोच भी नहीं रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये करे कि उनको हिम्मत दे दे और आवाम की बात कर ले, आवाम की खिदमत कर ले। आपको नहीं लगता है शारिक साहब, जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियन हमारे हैं, वो जो बोलते हैं वो ग्राउंड लेवल पे वो नहीं कर पाते, वो प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाते, वो बस बोलते हैं लेकिन जब करने की बात आती है वो नहीं कर पाते हैं। बेटा साहब, आपकी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत गंभीर हालात हैं, बहुत ख़राब हालात हैं। तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप थी, जैसा शेख साहब के बारे में आपने बात, उन्होंने जो कहा वो किया, जेल में रहे, कूदे और हुकूमत हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ 22 साल 40 साल तक जुदजहद की। इस वक्त वो पोटेंशियल हमारे लीडरों में है नहीं, वो मानता हूँ मैं, लेकिन ये बात कि कोई गई गुजरी बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के मफादात की हिफाजत हम लोग कर लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और जो इस वक्त मुश्तरक क़यादत है, उम्मीद है कि इनके दिल में जज्बा है कश्मीर के लोगों के मफादात की हिफाजत करने का, इंशाल्लाह हो जाएगा। शारिक साहब, जो डीलिमिटेशन की बात हो रही है कि डीलिमिटेशन हो जाएगी, क्या आपको लगता है डीलिमिटेशन की वजह से बीजेपी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर पाएगी? वो इसीलिए डीलिमिटेशन कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ से सीटें कम करके जम्मू से सीटें ज़्यादा ले लें, और गड़बड़ करके, गोलमोल करके, ज़बरदस्ती करके बीजेपी की सरकार बनाए। जी, वो तो ये कर सकते हैं लेकिन पायदार ये चीज़ें नहीं रहती हैं। यहाँ बहुत लोग आ गए, आगे भी उन्होंने बड़ी कोशिशें की, कांग्रेस ने भी एक वक्त ऐसी ज़बरदस्त कोशिशें की, दूसरी पार्टियों ने की, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है। तारीख इन पर रोती है, आंसू बहाती है बाद में। इस वक्त इनका दबदबा है लेकिन ये रहने वाली बात नहीं है। जो कमिंग इलेक्शंस हो रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि एंडिंग में, इस साल के एंडिंग में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए जो आपका नया एजेंडा है उसमें आप लोगों को डेवलपमेंट के बेसिस पे बोलोगे या कुछ और लेके आओगे? बहुत चीज़ें थी, हमारे प्रोग्राम बहुत वाजह है, साफ है। एक तो ये कि जो कश्मीर की खसूसियत पोजीशन है उसको बहाल करने के लिए हमारी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी, ये बात नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो। कश्मीर की खसूसी पोजीशन को वापस लाने के लिए हमारी जद्दोजहद मुसलसल रहेगी, हमारी पुरअमन जद्दोजहद मुसलसल रहेगी। लेकिन शारिक साहब, ग्राउंड पे दिखता नहीं है वो चीज़, आपकी जद्दोजहद, बेशक आपकी जद्दोजहद होगी पर ग्राउंड पे हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो ही पीएजीडी बना उसके फौरन बाद ही इलेक्शंस हो गए, उसके बाद फौरन पहले ये स्क्रैप हो गया और सारी कयादत को जेलों में ठोंस दिया गया। जी, छोटी बड़ी कयादत को, छोटे वर्करों तक को, इवन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को खौफ हिरास फैला गया। हर घर के सामने फौज और पुलिस रखी गई, हर एक की जबान बंद की गई। जो हिंदुस्तान का 50 साल तक जिंदाबाद करते थे, झंडा लहराया हिंदुस्तान का, उनको भी जेलों में बंद कर दिया। बिल्कुल, उसके बाद ही कोरोना की बीमारी फैल गई, हजारों लोग मर गए, सड़कों पर तड़पने लगे। इसलिए इस चीज़ में थोड़ा कमजोरी आ गई, लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाल्लाह बड़े जोर से जारी। अच्छा, जो आप ये बता रहे हो कि जद्दोजहद जारी रहेगी, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हमारी आगे फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, कहीं वो लोग भी हमारी तरह ना पिसे, क्योंकि जॉब राइट्स, लैंड राइट्स आर्टिकल वापस आएगा, कहीं ये उनके लिए एक वो कंटेंशन, आई मीन वो बोन ऑफ कंटेंशन, लाइक फसाद की वो जड़ नहीं बनने वाली है? क्योंकि हमारे टाइम तो हुआ नहीं, लाइक वी आर नॉट सीइंग इट एट एनी वेयर। आपको नहीं लगता उनके लिए ये प्रॉब्लम बन रही है, लाइक दे आर गोइंग टू फेस इट, जो हमारी जनरेशन, कमिंग जनरेशन? वो मुतालबा भी नहीं मांगे तो प्रॉब्लम तो फिर भी उनके लिए है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में चला जाता है। हमारे दिन तो इतने जैसे हैं जैसे हमने गुजारे, गलत सही तो वो गुजर गए, लेकिन जो नई जनरेशन है उसकी परेशानी है। हमको, हम चाहते हैं कि उनके लिए रोशन मुस्तकबिल बने, उस रोशन मुस्तकबिल को हासिल करने के लिए हमारी जद्दोजहद,
तो हमेशा रही और रहेगी। न्यू एजेंडा क्या है जब आप लोगों के सामने इलेक्शंस? एक तो उनकी तरक्की, रियासत की तरक्की, हर पहलू में उनकी तरक्की, माशी तरक्की, इक्तिसादी तरक्की, तालीमी तरक्की, इंटेलेक्चुअल तरक्की और डेवलपमेंट की डेवलपमेंट का, और साथ में अपनी पहचान कायम, जम्मू कश्मीर की पहचान को कायम रखने के। शारिक साहब, सॉरी टू इंटरफेयर, जो आपने ये बताया आपके जो नए इलेक्शंस के एजेंडा है, बट ये सारे एजेंडा तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे, हुआ तो कुछ नहीं ग्राउंड लेवल? क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? आपके यहाँ जिस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था जी, हंदवाड़ा में मिडिल स्कूल था, आज आपके यहाँ कॉलेजेस हैं, आपके यहाँ हाई स्कूल्स हैं, आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, आपके गर्ल्स कॉलेज है, ये किसने किया? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, मैं आपको, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया, मैं आपको, खाक में चकदारी किया, यहाँ चकदार 10 घराने थे और सारे लोग उनके गुलाम थे। तो वही अगर आप ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट वोट मांगते हो, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो फेयर है, लेकिन जो की शनाख्त वापस लाई दी जाएगी, देखो जैसे कि आप बोलते स्टेटहुड, स्टेटहुड मिलेगा, स्टेटहुड में तो मैं बता रही हूँ की जैसे कि बताया जा रहा था वो तो कोर्ट में है, जैसे इफ यू आर सेइंग कि हम लोग शनाख्त वापस लाएंगे, हम लोग वो करेंगे, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो लोगों के इमोशन, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हो आप। नहीं, हम जज्बात से खेलने की कोशिश नहीं करते, ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर मुल्क से जब मिला तो सबसे बड़ा वादा पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही था कि आप लोगों की शनाख्त कायम रहेगी, ये हमने नहीं कहा। लेकिन जब शनाख्त खत्म की गई, एक मिनट सुनिए ना, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, आईएम ने हमको गारंटी दे दी, अब कोई बीच में आकर लूट ले आपको, आप कोशिश नहीं करेंगे उसका, आपका मोबाइल कोई छीनता है जबरदस्ती, आप कोशिश नहीं करेंगे इसको वापस लाने की? बिल्कुल, इसमें क्या नुक्स है? तो बराबर आपकी बात, अगर कश्मीर के लोगों को इसके साथ दिलचस्पी नहीं होगी तो हम उसमें क्या करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हो कोई मेरा फोन खींचेगा मैं उसको बात करूंगी, लेकिन जो ही वो जेल से बाहर आए हमें तो आज तक कोई बात सुनने को नहीं आई, अब नए इलेक्शन हो रहे, तवील जद्दोजहद के लिए तैयारी होनी है, उसमें ये नहीं होगा कि 4 दिन 10 दिन, इतनी तहरीकों के लिए साल डेढ़ साल का वक्त कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सारे लोगों को जमा करके, सारी जमातों को जमा करके, जिनको हमदर्दी होगी कश्मीर के साथ, कश्मीर की शिनाख्त के साथ, उनको जमा करके ये तहरीक चलती रहेगी, आप घबराए नहीं। जैसा कि आपको पता है शारिक साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर फारूक साहब हैं, उन्होंने कल बताया कि जो र्यूमर्स आप तक आते हैं वही र्यूमर्स हम तक भी आते हैं, क्या आपको लगता है ये लीडरशिप की बुनियादी वो सब ख़त्म हो रही है? आप सुनिए, एक मेहरबानी सुनिए, आप लीडरशिप की बुनियाद ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुली बंद कोशिश कर रही है जी, ये यहाँ ही नहीं जी, जो जमात कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेगी, कांग्रेस क्या थी, लीडरशिप थी, उसको ख़त्म करेंगे जी। जो ममता बनर्जी को वजूद मिटाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने फारूक अब्दुल्ला और ये लोग भी ऐसे ही, इनका वजूद ख़त्म करने की, जिस वक्त आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बारे में यहाँ अफवाहें जोरों पर थी जी। और लोगों में एक कन्फ्यूजन हैजान था, उस वक्त जब फारूक अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर से मिले तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है कोई बात, और दूसरे दिन उन्होंने आर्टिकल रिवोक कर लिया। जब इस लेवल पर इतना बड़ा किज़्ब बयानी, झूठ बोला जाए, तो फारूक अब्दुल्ला बेचारे पर क्या हम सब कसूर आप डालते हैं? अफवाहें वो भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। ये जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो जानना चाहते हैं जो ये डिलिमिटेशन हो रही है, इससे क्या होने वाला है? लाइक सब लोगों को पता नहीं है, लाइक दे डोंट नो, कुड यू प्लीज एलाबोरेट इट? देखो बेटा, दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन में फैसला हुआ था पार्लियामेंट में कि 26 साल के लिए कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा जी, दिल्ली में भी और यहाँ भी, मुल्क में भी और यहाँ भी जी। लेकिन ये लोग इसलिए यहाँ डिलिमिटेशन करना चाहते हैं ताकि कश्मीर की इनफरादियत और जो मुस्लिम स्टेटस इसका है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेटस, उसको घटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये, जो हमको लगता है और जो हमको दिखता है। ये जो अफवाहें हैं कि शुपियन को पुंछ रजौरी से मिलाएंगे और इस्लामाबाद वगैरह अनंतनाग को कश्मीर को लद्दाख से, कश्मीर को लद्दाख से, ये तो यही है यहाँ के सियासी असर रसूख को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, और यहाँ की अक्सरियत को समझ लो आप
अक्सरियत को सजा देने के लिए ये ऐसा सोच। शारिक साहब, आपको मैं एक बात बताऊं कि जो आप बोलते हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हुआ करता था जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कोई दो लोग थे जो उन्होंने बोला था कि जब हम लोग आएंगे वी विल स्क्रैप द आर्टिकल, वो उनको पॉलिटिकल बिलीफ था इस पे। आपको नहीं लगता हमारे लीडर्स में पॉलिटिकल बिलीफ नहीं है क्योंकि ग्राउंड पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं? नहीं, हमारे ऐसे भी गुजरे हैं। हाँ, आज से 40 साल पहले भी यहाँ के कुछ नामनिहाद लीडरों ने कहा था आर्टिकल 370 को समुद्र में डुबो दो, कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन अक्सरियत जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो चाहते हैं कि उनकी पहचान कायम रहे, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी पहचान मुल्क में उनका तशख्स कायम रहे। हम छोटी सी एक रियासत हैं और मैं इसमें छोटे से मुसलमानों की एक आबादी है। हमको यकीन दिलाया गया था मुल्क की लीडरशिप की तरफ से कि आपका वजूद और आपकी तशख्स और आपकी शिनाख्त कायम रहेगी। पता नहीं ये लोग क्यों, उस वक्त पाकिस्तान आ रहा था हमें हमारे साथ मिलो, क्योंकि वहाँ इसकी तशख्स की बात नहीं हो रही थी, मुसलमान थे और वो समझते इस बुनियाद पर कि हम मुसलमान होकर उनके साथ मिले, लेकिन यहाँ से गारंटी दी गई कि आपकी मुसलमानी, आपकी मुसलमानियत और आपकी मजहबी शिनाख्त हम कायम रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दे देंगे। आज वो धोखा हो रहा है हमारे साथ, आज वो धोखा दे रहे हैं हमको, आज वो वादे खिलाफी वो इस वक्त कर रहे हैं, हम वही वादा याद दिलाते हैं उनको। तो फिर हमारे लीडर्स ने ऐसा ना, वो मैकावली पढ़ी है एक बुक और उसमें लिखा गया है, मेंशन किया है, वो वादे ही क्या है जो वफा हो जाए, फिर तो वही हो, वही चीज हो रही है फिर हमारे यहाँ पे। वो तो ठीक है, इसका आम कश्मीरी है, चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, कोई भी हो, पिस्ता बीच में आम कश्मीरी ही है, उसमें कोई शक, पिस्ता तो आम गरीब लोग ही है, उसमें कोई शक। बहरहाल हमारी हम सारी हमदर्दियाँ इन्हीं गरीब लोगों के साथ हैं और हमारी सारी जद्दोजहद इन्हीं गरीबों के लिए है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जिंदगी जितनी भी दी है, अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि इन गरीबों की खिदमत, इनकी सेवा और इनके हकूक जो पामाल हो रहे हैं उनको बहाल करने के लिए हमें हिम्मत। कश्मीर ऑप्टिमिस्ट के स्पेशल इंटरव्यूज देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।